सरकार द्वारा लागू की गई ई टेंडरिंग योजना को लेकर क्षेत्र के सरपंच बीडीपीओ कार्यालय के सामने दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और सरपंचों को धरना उठाने को कहा, लेकिन सरपंच नहीं माने तो पुलिस ने जबरन उन्हें उठाकर दरी उठा ली और उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कह दिया। इस दौरान पुलिस और सरपंचों के बीच काफी देर तक कहासुनी भी हुई। बाद में सरपंचों ने इस मामले से ग्रामीणों को भी अवगत करवा दिया, जिसके बाद सैकड़ों बुजुर्ग ग्रामीण भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर खंड कार्यालय पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस द्वारा दरी बिछाने के विरोध के चलते सरपंचों ने कार्यालय की कुर्सियों पर बैठकर विरोध जताया। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सरपंचों में प्रशासन के प्रति काफी रोष व्याप्त है। धरने पर बैठे सरपंचों का कहना था कि आगामी 2024 के चुनावों के दौरान पंचायत अधिकारी एसडीओ जेई ठेकेदार व अन्य अधिकारी ही वोट दिला देंगे, पोलिंग बूथों पर उक्त अधिकारी ही खड़े नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरपंच सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो आगामी चुनावों में पोलिंग बूथों पर खड़े होने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे और सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सरपंचों का कहना था कि सरकार द्वारा खातों में पैसे भेजने की बात केवल ढकोसला है, केवल सूची ही प्रदर्शित की गई है, किसी के खाते में कोई पैसे नहीं भेजे गए हैं। उनका कहना था कि सरकार द्वारा सरपंचों को मात्र 2 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने के अधिकार दिए गए हैं, जबकि आज महंगाई के युग में 2 लाख रुपए में शौचालय और बाथरूम का निर्माण नहीं किया जा सकता तो गांव का विकास कैसे होगा। सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए ब्लॉक समिति, जिला पार्षद और विभागीय अधिकारियों की अनुमति लेने का फरमान भी सरपंचों के गले की फांस बन गया है। सरपंचों का कहना है कि उन्हें गांव की जनता ने चुनकर भेजा है, हम जनता के सेवक हैं, हमने गांव के विकास के कार्य स्वयं करने की अनुमति दी जाए। सरपंचों ने पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को तानाशाह बताया और कहा कि सरपंच सरकार द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई का जरा भी दबाव नहीं मानेंगे। हमारे साथ सरकार ने इतना बड़ा धोखा किया है, जो जनता ने हमको वोट दिया था, जनता ने वोट हमको दिया था, एसडीओ को, जेई को, बीडीओ को, इनको वोट नहीं दिया। काम हमको करना, एसडीओ जेई को नहीं करना। मेरे को एक एस्टीमेट बनवाना, 6 दिन हो गए चक्कर काटते काटते, ये 25 लाख 50 लाख का काम कम करेंगे। और मेरा तो सीधी बात है, ई टेंडरिंग के खिलाफ धरना है। मैं तो बोल रहा हूँ सरकार को खुलेआम बूथों पे भी 2024 में इलेक्शन आ रहा, ठेकेदारों को बैठे देना, एसडीओ और जेई को, सरपंच नहीं मिलेंगे वहाँ खड़े हुए। अगर हमारी मांग मान ली तो ठीक है, नहीं तो 2024 में इसका परिणाम गांव की जनता वोट के द्वारा सरकार को देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर जनता को ये पता होता ना, एसडीओ, जेई और ये ई टेंडरिंग इनका राज है हमारे ऊपर, तो फिर ये सरपंची के इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। सरकार को इस इलेक्शन से पहले हमको जनता को बताना था कि जेई एसडीओ काम करेंगे, जनता जेई एसडीओ को वोट देती, फिर हमको खड़ा होने की क्या जरूरत थी। कृत्य के लिए मैं इस भाजपा सरकार की सख्त भर्त्सना कर रहा हूँ कि जब सरपंच साहिबान अपनी मांगों के लिए, जो उनकी उचित मांग है, उनको लेकर के अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ तो ये झूठ बोलते हैं कि हमने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार दिए हैं और दूसरी तरफ ये अधिकार छीन रहे हैं। अगर सरपंच की पावर 2 लाख रुपए तक सीमित कर दी जाती है, आज के समय में 2 लाख रुपए में क्या कोई गली बन सकती है? ना कोई गली बन सकती है, ना कोई चौपाल बन सकती है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर बन सकता, ना कोई नाली वगैरह कोई बन सकती, ना कोई तालाब को रिटेनिंग वाल बन सकती। 2 लाख रुपए में आता क्या है, होता क्या है? तो ये एक भद्दा मजाक है। तो पंचायती राज संस्थाओं के, उनके जो कार्यक्रमों का और उनके जो अधिकारों का जो अतिक्रमण ये सरकार कर रही है, और ढकोसला देखो, ढकोसला ये कर रही है कि हम पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत कर रहे हैं, या मजबूत कर रहे हैं, या उनके अधिकारों का हनन करके उनको बिल्कुल बेकार करना चाहते हैं, नाकारा करना चाहते हैं पंचायती राज सिस्टम को। तो ये इस सरकार की मैं सख्त की भर्त्सना करता हूँ, और जिस तरह से आज बलपूर्वक सरपंचों को ब्लॉक से हटाया गया, उनको वहाँ से लाठी डंडा के बल पर उनको हटाया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पार्टी भी संज्ञान लेगी।